राजामौली साहब मेगा पास्टर रामचरण और यंग टाइगर जूनियर इंडिया का ट्रिपलर अपने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस तोड़ कर किया है कलेक्शन और सेकेंड डे पे भी एक तगड़ा कलेक्शन देकर बाहुबली का कैसर रिकॉर्ड अपने नाम पे लिखाई है। दोस्तों आज मैं ट्रिपल आर का फर्स्ट और सेकेंड डे का कलेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो एन टी आर और रामचरण के फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। ट्रिपल आर काफी ग्रैंड वे से रिलीज हुआ है और जिसको हर जगह से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स मिली है। बता दोस्तों ट्रिपल आर ने एक सेंसेशनल फर्स्ट कलेक्शन दिया है जहाँ पर ट्रिपल आर का कहानी वीएफएक्स बीजीएम और क्लाइमेक्स और स्पेशली नातू नातू सॉन्ग सबका दिल जीत लिया है। और अगर बात करूँ सेकेंड डे का एडवांस बुकिंग के बारे में तो सेकेंड डे पर एडवांस बुकिंग आई है 60 करोड़ और जहाँ पर फर्स्ट डे पर यह एडवांस बुकिंग था 90 करोड़ का और जो था ऑल टाइम रिकॉर्ड। और रहता दोस्तों लगभग 12,000 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड पर रिलीज हुआ है ट्रिपल आर। पहले ही बात करती हूँ ट्रिपल आर का ओवरसीज के बारे में जहाँ पर यूएसए पर अभी तक की प्री रिलीज प्रीमियर सेल हुआ है 5 मिलियन प्लस और सिर्फ यूएसए से ही 40 करोड़ का एक तगड़ा कलेक्शन दिया है ट्रिपल आर और ये एक रिकॉर्ड अमाउंट है। और बता दोस्तों ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर द बैटमैन का कलेक्शन को भी ट्रिपल आर तोड़ दिया है और ये रहा सिर्फ यूएसए का कलेक्शन। और पूरे ओवरसीज की बात करूँ तो ओवरसीज से ट्रिपल आर का अभी तक की कलेक्शन आई है 70 करोड़ और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। और राजामौली साहब ने एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने अपने दो हीरो से किसी को भी ऊंचाई नहीं दिखाई है और किसी को भी थोड़ा सा नीचाई नहीं दिखाई है, एकदम बराबर बैलेंस किया है दो सुपरस्टार के बीच में। और एक फिल्म में दोनों हीरो को ऐसे बैलेंस करना वाकई ही कमाल का होता है। जैसे आपको पता है रिसेंटली वीणा नायक रिलीज हुआ था, वहाँ क्रिटिक्स का कहना था कि पावस्टर पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती एक साथ रहने के बावजूद भी ज्यादा हाईलाइट पवन कल्याण का ऊपर की गया है। और जो भी हो राजामौली साहब का कंपेयर सिर्फ और सिर्फ राजामौली से ही किए जाते हैं। तो चलिए बात करती हूँ फर्स्ट डे कलेक्शन को लेकर। जब पर ट्रिपल आर का फर्स्ट डे एरिया वाइज कलेक्शन की बात करूँ तो गुंटूर से ऑल टाइम रिकॉर्ड कलेक्शन दिया है 9 करोड़ का जहाँ पर बाहुबली 2 का कलेक्शन था 6 करोड़ 18 लाख। और निजाम की बात करूँ तो निजाम पर 25 करोड़ का तगड़ा ओपनिंग देकर ऑल टाइम रिकॉर्ड हासिल किया है। हैदराबाद की बात करूँ हैदराबाद पे 18 करोड़ का एक ओपनिंग लिया है ट्रिपल आर। ऐसे करके अपनी स्टेट से ही यानी कि तेलुगु से 110 करोड़ का एक तगड़ा ओपनिंग लिया है और जो है ऑल टाइम रिकॉर्ड। और तेलुगु स्टेट को छोड़कर अगर बात करूँ साउथ का दूसरा स्टेट को लेकर तो तमिलनाडु से ट्रिपल आर का कलेक्शन आई है 13 करोड़, केरला से कलेक्शन आई है 5 करोड़ और कर्नाटका से ट्रिपल आर का कलेक्शन आई है 15 करोड़। और अगर बात करूँ हिंदी बेल्ट को लेकर जहाँ पर ट्रेड एक्सपर्ट का कहना था कि फर्स्ट डे पर ट्रिपल आर ज़्यादा नहीं कमाएगा, 15 करोड़ का आसपास कलेक्शन कर सकते हैं, पर ट्रेड एक्सपर्ट का ये प्रिडिक्शन को पीछे छोड़ दिया है ट्रिपल आर। और जहाँ पर हिंदी पे फर्स्ट डे पे ट्रिपल आर का कलेक्शन आई है 25 करोड़ का एक तगड़ा ओपनिंग और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से आज यानी कि सैटरडे पे ज़्यादा कलेक्शन आ रही है। और अगर फुल इंडिया के ओपनिंग की बात करूँ तो ट्रिपल आर एक नया रिकॉर्ड किया है अपने फर्स्ट डे ओपनिंग कलेक्शन से। और अतः दोस्तों फ्राइडे पर यानी कि अपने फर्स्ट डे पर ट्रिपल आर का ऑल इंडिया से कलेक्शन आई है 160 करोड़। और अभी बात करती हूँ वर्ल्ड वाइड क्रॉस के हिसाब से तो ट्रिपल आर का फर्स्ट डे पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आई है 200 करोड़ का एक तगड़ा कलेक्शन, यानी कि काफ़ी आसानी से बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये मोस्ट एनर्जेटिक फिल्म ट्रिपल आर। और सेकेंड डे की बात करूँ तो फिर सैटरडे होने की वजह से और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्ड ऑफ माउथ होने की वजह से आज ऑक्यूपेंसी 90 से 100% है और सभी हाउसफुल शो चली है। और सेकेंड डे पर इंडिया पे लगभग 130 करोड़ का कलेक्शन आ जाएगा और सेकेंड डे पे ट्रिपल आर का वर्ल्ड वाइड पर 190 करोड़ का एक तगड़ा कलेक्शन करके दिखाएगा ट्रिपल आर, यानी कि शुरुआती 2 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ जाते हैं इस फिल्म का 400 से 420 करोड़ का। और ऐसे ही चलता रहा तो फिर काफ़ी आसानी से इंडिया का सबसे बिगेस्ट फिल्म बनने वाले है ट्रिपल आर, यानी कि अभी नॉन बाहुबली रिकॉर्ड नहीं बल्कि नॉन ट्रिपल आर का दिन आ गई है। दोस्तों ये फिल्म आपको कैसा लगा
और आपको क्या लगता है ट्रिपल आर का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, कमेंट पे बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और बॉलीवुड साउथ इंडिया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।